देश के 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में आप सभी को एनडीटीवी की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पहली बार कर्तव्य पथ पर आज परेड जो है, 26 जनवरी की जो परेड है वो वहां पर होगी। सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी। मिस्र के राष्ट्रपति अलसीसी जो है वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और परेड विजय पथ से लेकर लाल किले तक जाएगी। परेड की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से होगी और करीब 90 मिनट का पूरा जो कार्यक्रम है, जिसमें भारत की सैन्य शक्ति और उसके साथ साथ जो हमारी कल्चरल एक हेरिटेज है, जो विभिन्नता है पूरे देश की, कई सारी झांकियां देखने को मिलेंगी। समारोह की शुरुआत राष्ट्र जो समर स्मारक है वहां पर श्रद्धांजलि से होगी। परेड में भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत दिखाएंगी और इस बार यह भी खास है कि इस परेड में जो भी सैन्य शक्ति जो आप देखेंगे, जो भी आप हमारे वेपन्स देखेंगे, हथियार देखेंगे, जो वो सब मेड इन इंडिया, भारत में बने हुए डिफेंस के जो हथियार हैं वो इस बार आपको देखने को मिलेंगे। ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कर्तव्य पथ पर, बिल्कुल पहली बार नए नवेले कर्तव्य पथ के ऊपर जो आज परेड की तैयारी की गई है। 45,000 लोग यहां पर इस परेड में शामिल होने वाले हैं। 32,000 टिकट इसके लिए अभी तक दिए गए हैं और साथ ही साथ करीब 13,000 पासेस जो हैं वो भी सरकार की ओर से बांटे गए हैं। आज पूरा देश की निगाहें जो हैं वो कर्तव्य पथ पर है, जहां पर 26 जनवरी 2023 की जो परेड है वो होगी और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। पूरे देश में आप अगर इस वक्त जगह जगह निकलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा किस तरीके से लोगों ने बाहर अपने घरों में, अपनी गाड़ियों पर किस तरीके से आज अपने ध्वज को, भारत के तिरंगे को प्रमुखता से हर जगह पर आपको दिखाई पड़ेगा। दिल्ली के अंदर सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं और इस वजह से कुछ सेंट्रल दिल्ली के जो कुछ रास्ते हैं उस पे भी लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब तक परेड रहेगी तब तक उन इलाकों को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर आज गणतंत्र दिवस पर अपनी शुभकामनाएं लोगों को देते हुए ट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये भी कहा कि उन्होंने लिखा है कि गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का जो ये बड़ा अवसर है इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमें आजादी के अमृत महोत्सव की के दौरान हम गणतंत्र दिवस अब मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। दैट ओनली ऑन द पिलर्स ऑफ जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी कुड एन एंड्यूरिंग इक्विटेबल एंड एम्पावरिंग डेमोक्रेसी रेस्ट।